अरे ये गाड़ी कहाँ जा रही? ये तो शालो बेटे लेकर गई ना। अरे इसका ब्रेक फेल है, तभी तो गाड़ी खड़ी थी यहाँ पर। अब शालू का क्या होगा? मेरी डिक्की का क्या होगा? हे भगवान, मेरी शालू को बचा ले। हे भगवान, डिक्की को मत ठोकना। है? है? सुनिए, जूहू चर्च कौन सी बस जाएगी? कि कुंवारी कन्या के साए से भी दूर रहना। मालूम नहीं। टाइम क्या हुआ है? मालूम नहीं। कमाल है, आपने घड़ी पहन रखी है फिर भी टाइम नहीं बता रहे। देखिए, आप मुझसे दूर रहिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मम्मी मम्मी, डैडी ने मुझे आइसक्रीम दिलाई। हाँ तो बेटे खा लो। मम्मी, अब मुझे कोई खतरा नहीं आपसे। आपको टाइम जाना था ना? जी देखिए, 1:30 बजे, और ये जो 5 नंबर की बस है ना, वो क्या कर रहे हैं आप? दूर हटिए, मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना। आप मुझसे घबराइए मत, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी शादी हो चुकी है, मेरी लाइन एकदम क्लियर है। अगर ये शादीशुदा है तो तेरी लाइन कैसे क्लियर है? आपको बस स्टॉप पे खड़ा है तो लाइन में खड़े रहिए, ये शादीशुदा, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मुझे तेरे जैसे आदमी से प्रॉब्लम है, क्योंकि ये मेरी बीवी है। ये आपके पति? हाँ। नमस्ते। अबे सामने देख के दौड़ा कर। हेलो, मुझे आपका बयान लेना है। उन्हें जान ले ली, आप मेरा बयान ले लो। जिस लड़की की गाड़ी के साथ आपका एक्सीडेंट हुआ, क्या गलती उसकी थी? नहीं, मेरी गलती थी, उसी की गलती थी, और किसकी थी? श्रीमान, श्रीमान, क्या आपने मेरे भांजे को देखा है? जी नहीं। ये क्या दुर्गति बना ली है तूने अपनी? कितनी बार तेरे को समझाया था कि कुंवारी कन्या के साए से भी दूर रहना। अच्छा अब सुन, अगर राजा बनना चाहता है ना, तो इसे ये मत बताना कि गलती लड़की की थी। क्यों? कान दे तो बताऊं। इससे आगे नहीं आ सकता। एक बार और बताऊंगा, एक बार और बता। ये क्या गुजर बसर हो रही है? इंस्पेक्टर साहब, गलती तो मेरी थी। फुटपाथ पे दौड़ने की जगह अगर 20 सड़क पे दौड़ूंगा तो गाड़ी ठुकेगी। लेकिन अभी भी वो तो चोट लगने की वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया था। अब मामा जी आ गए, दिमाग बिल्कुल ठीक हो गया। उस लड़की से मेरी तरफ से माफी मांग लीजिए। हाँ हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आपने अब तक जेल की जंजीरों और सलाखों का लोहा देखा है, मगर शालू की हिम्मत का फौलाद नहीं देखा। पहना दीजिए सर से पांव तक लोहा, खींच दीजिए जमीन से आसमान तक लोहे की दीवार, मगर शालू हर दीवार को तोड़ देगी। अरे बेटी, तू ठीक तो है ना? आपकी औलाद फौलाद है डैडी। मगर मैंने तो फोन में सुना था कि तू बहुत सीरियस है। सीरियस कंडीशन मेरी नहीं, उनकी है। उनकी? उनकी तो लड़कियां शादी के बाद अपने पति को बोलते हैं, ये उनकी कौन है? हाँ, उनकी जो मेरी गाड़ी से टकराए हैं। हो सकता है वो मेरे होने वाले पति हों। ऐसे क्या देख रहे हो? नहीं, मार तो कहीं पर भी नहीं लगी है, गाड़ी के पीछे तो चोट नहीं लगी है। पीछे? भांजी, 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 तेरी बैग की बात नहीं करो, गाड़ी की बैग की बात करो, कहीं डिक्की को तो चोट नहीं लगी? बैग को तो चुप करना यार। हवलदार, मिस शालू को छोड़ दो, ये रही आपकी गाड़ी की चाबी। इंस्पेक्टर, डिक्की कैसी है? किसकी डिक्की? मेरी डिक्की कैसी है? डिक्की चोट लगी थी। मैंने तो गोरी छोड़ी थी, ये काली कैसे हो गई? ठीक है। हेलो, अरे देखिए आप उठिए मत, आप, अरे आपको तो बहुत चोटें लगी हैं। तुम चली जाओ। आप कितने महान हैं, आपने मेरा सारा कसूर अपने सर ले लिया। सिर पे? पूरे शरीर पे ले लिया है जी। ये फूल रख लीजिए। मुझे कोई फूल नहीं चाहिए। प्लीज चली जाओ यहाँ से। प्लीज मेरी तरफ से ये फूल रख लीजिए। यहाँ से चली जाओ, मुझे कोई फूल नहीं चाहिए। चली जाइए यहाँ से। जब तक आप ये फूल नहीं लेंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। ठीक है, तुम लेट जाओ, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। मगर आप कहाँ जा रहे हो? सुनिए, आज के एपिसोड में आप देख रहे हैं कि हमारी लाडली और प्यारी भांजी बिना कुछ खाए पिए तकिए का गला दबाए बगीचे में बैठकर बेगुनाह घास को तोड़ रही है।
इंसान ऐसे गुना जिंदगी में सिर्फ दो ही बार, या तो सर पे किसी का उधार हो और दूसरा जब दिल में किसी का प्यार हो। मामा ये हाल उधार वाली नहीं दिखती है, प्यार वाली दिखती है। कौन है? मेरी गाड़ी से जिसका एक्सीडेंट हो गया था ना, मुझे उससे प्यार हो गया। वेरी गुड। तो अब जाके तेरी शादी भी हो जाएगी और तेरा बाप घर में अकेला हो जाएगा, तब जाके वो साला कहीं मेरी शादी के बारे में सोचेगा। मामा मजाक नहीं है, आई एम सीरियस। अच्छा हाँ? तू मिली है उससे? गई थी ना मैं उससे मिलने फूल लेकर, उसने मुझसे ठीक से बात भी नहीं की। बाप कैसे करेगा बेचारा, बीमार आदमी को जब मिलने जाते हैं तो फूल लेकर नहीं फ्रूट लेकर जाते हैं। अब की बार तू फ्रूट लेकर जाना। मामा फ्रूट लेकर? हाँ मैं जाऊंगी फ्रूट लेकर। क्या राजू शालू के संतरे मौसमी कबूल करेगा? और अगर करेगा भी तो क्या खाएगा? देखते हैं धारावाहिक शालू का प्यार अगले एपिसोड में हम लोग।